हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम सिक्योडा इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सीरीज नंबर सीरीज़ जो है ये दो से तीन मार्क्स की आती है ऑलमोस्ट हर किसी जेकेएसएसबी एस एस बी के एग्जामिनेशन में जिसके सिलेबस में भी सीरीज़ दिया हो या नंबर सीरीज़ दी हो ठीक है सो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो है कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ रिलेटेड नंबर सीरीज़ आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके चलिए डिस्कस करते हैं कुछ टिट बिट्स जो कि नंबर सीरीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है देखिए सबसे पहले नंबर सीरीज़ जो है जो आपकी सीरीज है नंबर्स में वो बहुत सारे टाइप्स की होती है इसमें होता है पहला जिसमें आपने जो है एक आती है सिंपल सीरीज जिसमें आपको जो है लास्ट वाला नंबर ढूंढना होता है ठीक है इसके बाद आती है नेक्स्ट इसमें रॉन्ग रॉन्ग में जो है आपको एक जो है एक नंबर जो है वो रॉन्ग होता है सीरीज में तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है ठीक और एक आती है मिक्स्ड मिक्स्ड क्या होती है ये दो सीरीज की कॉम्बिनेशन होती है ठीक है मोस्टली अगर हम प्लस टू जो है के एग्जामिनेशंस की बात करें जो कि ट्वेल्थ के लेवल के होते हैं उसमें सिंपल ही पूछी जाती है बहुत कम चांस होता है कि उसमें रॉन्ग या मिक्स्ड पूछी जाए अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ़ करना चाहे पेपर को तो पूछा जा सकता है लेकिन आपने तीनों के लिए जो है तैयार रहना है कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको जो है एक सीरीज़ के साथ टैकल करना है ठीक है चलिए थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो सीरीज़ है ऑन ए होल अब मैं डिस्कस करता हूँ या तो ये एडिशन की होगी या तो सब्ट्रैक्शन की होगी या तो मल्टीप्लिकेशन की होगी या डिवीजन की होगी ठीक है या तो मोस्टली क्या होता है सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ किया होता है ठीक है तो आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे देखिए मल्टीप्लिकेशन की जो जो एडिशन की सीरीज़ होगी उसमें गैप्स जो है बहुत जो है बहुत कम इंक्रीज होंगे ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ तो अगर ये सीरीज़ है एक टू फोर एट राइट 14, ट्वेंटी टू ये एक सीरीज़ है और आपने नेक्स्ट वाला नंबर ढूंढना है तो आप देख रहे हो इनमें गैप्स जो हैं वो बहुत कम जो है बहुत कम इंक्रीज़ हो रही हैं मतलब यहाँ पे गैप दो की है यहाँ पे चार की है यहाँ पे छः की है यहाँ पे आठ की है सो so, गैप्स बहुत कम जो है जो इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं जो दो कंजिकटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस हैं वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं ये आपको ऊपर से ही दिख रहा है तो आपको डायरेक्टली डायग्नोस होना चाहिए कि ये एडिशन की सीरीज़ है क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो है बहुत हाई इंक्रीज़ होता है गैप्स ठीक सब्ट्रैक्शन की होगी अगर सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है तो पहले आपको नंबर बड़ा दिखेगा फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी दिखेगा उसके बाद आपको ट्वेंटी दिखेगा राइट right, उसके बाद आपको सिक्सटीन दिखेगा उसके बाद आपको 12 दिखेगा लाइकवाइज मतलब डिक्रीजिंग में ठीक है डिक्रीजिंग में जो है सीरीज चलेगी ना कि इंक्रीजिंग में ठीक चले तो हुई सब सब ट्रैक्शन की और इसमें भी क्या होगा इसमें भी गैप्स जो हैं जो डिफरेंसेस हैं उनमें जो है उतना उछाल नहीं होगा बिल्कुल लीनियर सी दिखेंगी कम कम ही जो है डिफरेंस या तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है लाइक वाइज ठीक है सो इसके बाद आती है आपकी हमने सब जो है एडिशन डिस्कस किया हमने सब डिस्कस किया राइट right? हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में जो डिफरेंसेस हैं दो कन्जिकटिव नंबर्स के वो बहुत जल्दी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे कैसे फॉर एग्जांपल आपने देखना है देखिए कोई सीरीज़ आपको दिख गई जिसमें फॉर एग्जांपल नंबर्स एक ऐसे हैं टू है टू के बाद डायरेक्टली एट है उसके बाद डायरेक्टली थर्टी टू है उसके बाद डायरेक्टली जो है 96 है ऐसे चल रही है सीरीज़ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि नंबर जो हैं बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं राइट मतलब जो ये गैप है जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैप जो है सिर्फ छः की थी उसके बाद जो है गैप 24 की हो गई या राइट उसके बाद गैप मतलब जो गैप्स जो हैं जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है ठीक है रैपिडली तो आपने समझना है यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है और लास्ट में जो है और एक इसमें आती है वो है डिवीजन की ये तो बहुत कम ही देखने को आपको मिलेगी इसमें क्या होगा इसमें उछाल इसमें जो है बहुत तेजी से गिरेगी डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल पहले नंबर दिया है बहुत बड़ा ट्वेंटी फोर ठीक है उसके बाद डायरेक्टली आपको छः दिखेगा उसके बाद एक दिखेगा मतलब बहुत बड़े बड़े जो है डिफरेंसेस आपको दिखेंगे ठीक है अब इसमें एक आता है मिक्सड नंबर्स मिक्सड नंबर मतलब मिक्सड सीरीज मिक्सड सीरीज में आपको जो है सबसे बड़ा टैक्ट क्या है उसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा अब आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस क्या है प्लस माइनस मतलब आपको दो दिख रहा है दो के बाद छह दिख रहा है फिर तीन दिख रहा है फिर फिर सात दिख रहा है फिर फिर से छ दिख रहा है तो मीन्स एड भी हो रहा है माइनस हो रहा है एड हो रहा है माइनस हो रहा है ठीक है जहां पे भी आपको ये चीज़ दिखे तो आपने सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये डबल सीरीज है ये मिक्स है सीरीज की इस पर हम क्वेश्चन आगे करेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लेकिन अभी आप याद रखिए जहाँ पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब्सिक्वेंटली हो रहा हो ठीक है तो आपने याद ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐड हो रहा हो कुछ माइंस हो रहा हो कुछ ऐड हो रहा हो कुछ माइंस हो रहा लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो दो सीरीज़ हैं एक वो दो सीरीज़ मिक्स में चल रही है ठीक है बाकी इसमें जो है रॉन्ग सीरीज़ उसमें भी यही है उसमें भी जो है कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और बीच में एक नंबर आपको गलत दे दिया ठीक है सो so, चलिए हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ सीखते हैं कैसे हमें अप्रोच करना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ये रहा आपके साथ क्वेश्चन आप जो है पहले पॉज कीजिए उसके बाद पहले खुद ट्राई कीजिए उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए देखिए एक चीज़ मैं आपको भूल बो, गया बोलना मैंने आपको आपको याद होगा जब मैंने जो है रीजनिंग का जो है आपको समझाया था कि रीजनिंग आती कैसे क्या है और भी बहुत सारे लेक्चर्स में जैसे एनालॉगी में मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोला है कि स्कैर्स जो हैं स्कैर्स आपको ट्वेंटी तक याद होने चाहिए कम से कम और क्यूब्स जो हैं क्यूब्स आपको बारह तक याद होने चाहिए कम से कम ये चीज़ आपको याद है तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी खासकर रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में तो मिलेगी ठीक है अब देखिए इस सीरीज को अगर आपको स्क्वायर ज़्यादा है तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि ये थ्री का स्क्वायर है राइट right? ये पाँच का स्क्वायर है ये सात का स्क्वायर है ये इलेवन का स्क्वायर है लेकिन जब आपको स्क्वायर ज्यादा होंगे तभी तो ये चीज़ दिखेगी ये वन का स्क्वायर है तो जैसे ही आपको ये चीज़ दिखी तो आपको डायरेक्टली पैटर्न समझ में आ गया एक के बाद तीन का स्क्वायर है तीन के बाद पाँच का स्क्वायर है पाँच के बाद सात का स्क्वायर है सात के बाद किसका स्क्वायर होगा नाव का नाव का स्क्वायर होता है एटी वन रहा आपका ऑप्शन ठीक है सो स्क्स यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखा स्कैयर्स आपको ट्वेंटी तक याद होने चाहिए और क्यूब्स आपको बारह तक याद होने चाहिए अब एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जा सकता है स्क्वेयर्स पे एक जो है डिफरेंस भी स्क्वेयर्स में होती है कभी कभी ठीक है सो so आपको जब स्क्वेयर्स याद होंगे तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी ठीक है चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाट विल कम एट प्लेस राइटली फोर सेवन ट्वेल्व नाइनटीन एटी एट मैंने बोला था आपको पहले जब ये डिफरेंसेस जो है इनमें उतना उछाल ना हो कम कम का ही गैप है तो ये एडिशन की है डायरेक्टली दिख रही है ऊपर से ही अब हमने देखना है ऐड हो क्या रहा है फोर प्लस थ्री सेवन यहाँ पे तीन का गैप है सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व पाँच का गैप है ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन का गैप है मिल गई सीरीज तीन पाँच सात यहाँ पे नाव का गैप होगा राइट right, और यहाँ पर ग्यारह का गैप है और ग्यारह का गैप है तो ट्वेंटी एट प्लस एलेवन मतलब थर्टी नाइन आपका आंसर आ गया थर्टी नाइन ठीक चले यहां देखिए सिक्स इलेवन ट्वेंटी वन थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स अब देखिए इसमें ऐसी सीरीज जब आती है ना जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि या तो ये एडिशन की भी हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है या मिक्स भी हो सकती है तो सबसे पहले सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है अपने गैप्स को देखना है छ और ग्यारह के बीच में पांच है राइट इलेवन और ट्वेंटी वन के बीच में टेन है अब देखिए यहीं पे आपका माइंड ये सोचना चाहिए कि अगर पांच के बाद दस आ रहा है अगर इसके बाद पंद्रह आया तो हमें मिल गया अब यहाँ देखिए पंद्रह का गैप है तो इसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं अब आपको ये पता चला यहाँ पे बीएस की होगी उसके बाद पच्चीस की गैप होगी ठीक है अब पच्चीस की गैप होगी तो फिफ्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव क्या होता है ये आ गया एक ये आ गया आठ एटी वन ठीक है चलिए आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा लाइक like ज़रूर कीजिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हर किसी क्वेश्चन पे को तो पहले पॉज करके खुद कोशिश कीजिए करने की वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अब देखिए यहाँ पे सीरीज़ ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन की है लेकिन एडिशन की भी हो सकती है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोला सबसे पहली चीज़ है गैप्स को देखना कि डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में तो यहाँ पे 90 है यहाँ पे 100 का है यहाँ पे 110 का है जैसे ही ये चीज़ आपको मिल गई 90, 100, 110, अब आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा फिर 120? ट्वेंटी so, सो 310 टेन प्लस वन वो क्या होता है 430? 430 हमारा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क राइट तो सीरीज ये रही अब देखिए ये सीरीज डायरेक्टली ऊपर बिल्कुल ऊपर से ही दिख रही है कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है क्यों क्योंकि आठ के बाद डायरेक्टली ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट के बाद डायरेक्टली वन हंड्रेड सिक्सटीन आ रहा है वन हंड्रेड सिक्सटीन के बाद डायरेक्टली फाइव हंड्रेड एटी फोर आ रहा है मतलब बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं ठीक है तो कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है अब क्या हो रहा है वो चीज हमें देखनी है एट और ट्वेंटी एट कैसे पहुंच सकता है एट अगर हम मल्टीप्लाई करें एट टू जो सिक्सटीन एट थ्री जो ट्वेंटी फोर मतलब अभी पहले में अगर हम देखें तो इनटू थ्री ट्वेंटी फोर होता है और उसके बाद एट थ्री जो ट्वेंटी फोर प्लस फोर ये हमें पहले का मिला अगर हम दूसरे का देखें ट्वेंटी एट इंटू क्या ट्वेंटी एट इंटू थ्री अगर करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा वो इंटू फोर अगर करें हम देखिए सीरीज़ को निकालने के लिए पहले हमें ये चीज़ मिली ठीक है ये गलत भी हो सकती है लेकिन हमें अप्रोच यही रखना है ठीक है सबसे पहले हमने ये देखा कि एट और ट्वेंटी एट के बीच में हम कैसा रिलेशन निकाल सकते हैं तो हमें रिलेशन मिला कि एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर होता है और अगर हम उसको प्लस फोर करें तो वो ट्वेंटी एट हो जाएगा राइट right? तो इसके बाद हमने देखा ट्वेंटी एट और वन हंड्रेड सिक्सटीन के बीच में कैसा रिलेशन होगा यहाँ पे हमने सोचा अगर ट्वेंटी एट इंटू थ्री करे तो वो उतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा तो अगर हम इंटू फोर करें इसको तो हम देखते हैं क्या आएगा है एट फोर ज़ार थर्टी टू फोर टू ज़ार एट नाइन टेन एलेवन ये एक सौ बारह आ गया देखिए और प्लस फोर मतलब दूसरे का हमें मिला इंटू फोर और प्लस फोर अब अगर हमें तीसरे का इंटू फाइव प्लस फोर मिला तो हमारा जो है रिलेशन ठीक है एक सौ सोलह है एक सौ सोलह को अगर मैं देखिए वन हंड्रेड सिक्सटीन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे करना है पाँच से तो मैं देखता हूँ कहाँ सिक्स फाइव जेरो थर्टी फाइव वन जेरो फाइव और तीन आठ पाँच के पाँच देखिए पाँच सौ अस्सी आ गया और यहाँ पे फाइव एटी फोर है मतलब हमने रिलेशन हम जिस रास्ते पे थे वही रास्ता ठीक है ये चीज़ हमें मिल गई राइट तो डायरेक्टली ला नेक्स्ट क्या होगा इंटू सिक्स प्लस फोर और करना किसको है इंटू सिक्स फाइव एट फोर को सो यहाँ पे करते हैं फाइव एट फोर इंटू सिक्स सिक्स फोर हज़ार ट्वेंटी फोर सिक्स एट जार फोर्टी एट और दो पचास सिक्स पास आ थर्टी थर्टी और थर्टी फाइव राइट right. थ्री फाइव जीरो फोर थ्री फाइव जीरो फोर प्लस फोर थ्री फाइव जीरो एट ये आ गया हमारा आंसर ठीक है चलिए यहाँ देखिए ऊपर ऊपर से लग रहा है कुछ तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है एडिशन भी हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा गैप है नहीं लेकिन पहले मल्टीप्लाई देखेंगे थ्री टू जर सिक्स और प्लस वन देखिए थ्री इंटू टू हो जाता है सिक्स और प्लस वन मतलब पहले का रिलेशन हमें चीज मिला अगर हम ये चीज़ कंटिन्यू करें सेवन टू ज़र फोर्टीन तो प्लस फिर वही ज़्यादा हो जाएगा सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन प्लस टू देखिए सेवन थ्री हज़ार ट्वेंटी वन प्लस टू होगा ट्वेंटी थ्री जैसे आपको ये चीज़ मिली इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री प्लस टू अब इसके बाद क्या होना चाहिए इंटू फोर प्लस थ्री अगर मैं ट्वेंटी थ्री को इंटू फोर करूँ फोर थ्री ज़र ट्वेल्व और फोर टू जो एटीवन नाइन्टी टू आएगा नाइन्टी टू और प्लस थ्री मतलब नाइन्टी फाइव वही तो है मतलब हमारी रिलेशन सही है इंटू फोर प्लस थ्री तो नाइन्टी फाइव इंटू फाइव और प्लस फोर ये चीज़ हमारा आंसर है सो नाइन्टी फाइव इंटू फाइव अगर हम करेंगे फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव दो ऊपर आ गए ठीक है और फाइव आंसर फोर्टी फाइव फोर्टी सेवन चार सौ पचहत्तर प्लस कितना करना है चार मतलब फोर सेवन नाइन ये रहा आपका आंसर ठीक है चलिए ये देखिए ये तो बिल्कुल ऊपर से ही लग रही है कि एडिशन है इसमें क्योंकि कुछ ज़्यादा गैप है नहीं नंबर्स में तो ये तो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल ईजी है ये देखिए थर्टी फोर के बाद फोर्टी फाइव आ रहा है तो ग्यारह का गैप है फोर्टी फाइव के बाद फिफ्टी सिक्स आ रहा है यहाँ भी ग्यारह का गैप है फिफ्टी सिक्स के बाद यहाँ भी ग्यारह का गैप है तो ग्यारह का गैप है सिंपल इसमें वो कुछ ज़्यादा है नहीं तो यहाँ आएगा आठ आएगा सात सेवेंटी एट ठीक है चलिए देखिए सीरीज इजी भी आ सकती है टफ नहीं होती सीरीज़ कभी भी बस आपको प्रैक्टिस करनी है देखिए सीरीज़ का मैं आपको डायरेक्टली एक फंडा बोलूँ आप पर डे टेन क्वेश्चन डिस्कस कीजिए ज़्यादा नहीं हर दिन दस क्वेश्चन डिस्कस कीजिए एक महीने में आप कोई भी सीरीज निकालोगे ठीक है थ्री टू सेवन सिक्स दे, अब देखिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था जब आपको माइनस और प्लस दिखे तो वहीं पे आपने समझ जाना है कि ये मिक्स्ड हो सकती है अब अगर हम यहाँ देखिए ये देखिए इसको अलग निकाले हम मतलब ये मिक्स सीरीज चल रही है तो क्या हम इसको जो है इन मैं आपस में रिलेशन निकल सकता है थ्री और फोर सेवन सेवन और फोर देखिए प्लस चार प्लस चार हो रहा है और यहाँ भी प्लस चार प्लस चार हो रहा है राइट टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन इसके बाद यहाँ पे टेन आएगा टेन आपका डायरेक्टली आंसर है ठीक है जैसे ही प्लस माइनस दिखे तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये मिक्स्ड सीरीज है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब ये देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज है ठीक है हमने रॉन्ग नंबर को पहचानना है देखिए रॉन्ग नंबर पहचानने का आप बोलोगे कि क्या है आप सबसे पहले आगे के तीन नंबर्स या लास्ट के तीन नंबर्स में रिलेशन देखिए तो आपके पास जो रिलेशन आएगी उस रिलेशन को आपने चेक करना है कि क्या हर दो कन्जिकटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं सिंपल है बिल्कुल अब देखिए 150 के बाद 450 है फिर 750 है तो मल्टीप्लाई तो है नहीं ये चीज़ सिंपल सी बात है कुछ एडिशन ही है सो so फिफ्टीन अगर हम ये ज़ीरो ज़ीरो हम इसको नेगलिजिबल neglig, कर लेते हैं यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो जो है हम काट लेते हैं हर किसी का फिर लास्ट में जोड़ देंगे कोई टेंशन ही नहीं है इसमें अब हम देखिए सीरीज फिफ्टीन फोर्टी फाइव सेवेंटी फाइव तो गैप क्या है पंद्रह और तीस पैंतालीस पैंतालीस और तीस पचहत्तर यहाँ तो प्लस थर्टी प्लस थर्टी दो बार हुआ पहले लास्ट में एक सौ पैंसठ और तीस एक सौ पचानवे देखिए यहाँ भी प्लस तीस हो रहा है यहाँ भी प्लस तीस हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस तीस नहीं हो रहा है वन थाउजेंड सिक्सटी तो नहीं आएगा इसमें बाकी आप सभी देखिए फाइव फाइव लास्ट में है फाइव है फाइव है फाइव है फाइव है फाइव है फाइव लेकिन यहाँ सिक्स आ गया मतलब ये चीज़ आप ऐसे भी डायरेक्टली जो है निकाल सकते थे ठीक है प्लस थर्टी का गैप है तो इसमें गलत नंबर कौन सा है वन ज़ीरो सिक्स ज़ीरो ठीक है और होना क्या चाहिए यहाँ पे होना चाहिए हज़ार राइट सॉरी हजार नहीं एक हज़ार पचास होना चाहिए क्योंकि सेवन फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड होगा ना क्योंकि हमने तो जीरो काट के यहाँ पे देखा थर्टी या सेवेंटी फाइव प्लस थर्टी वन हंड्रेड फाइव होता है ना ठीक है चलिए यहाँ पे आपने क्या चीज सीखी सबसे बड़ी कि आपने पहले नंबर को और दूसरे नंबर लास्ट के नंबर्स को और पहले नंबर को देखना होता है ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब ये देखिए ये है और एक सीरीज आपके सामने चलिए कीजिए मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं कमेंट में जो है अपना आंसर लिखिए नंबर्स जो हैं बिल्कुल जो गैप्स हैं वो प्लस में भी हो सकती हैं मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं छः के बाद थर्टीन हो रहा है थर्टीन के बाद ट्वेंटी एट हो रहा है तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई ही देख लीजिए या मिक्स भी हो सकता है इन दोनों का ये तो बहुत ही कॉमन है ये चीज़ सिक्स टू जर ट प्लस वन राइट चलिए पॉज करके आप कीजिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ सिक्स इंटू टू होता है ट्वेल्व और प्लस वन थर्टीन टू हज़ार ट्वेंटी सिक्स इंटू टू प्लस टू ट्वेंटी एट टू हज़ार फिफ्टी सिक्स प्लस थ्री मिल गया हमें रिलेशन इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा इंटू टू प्लस फोर होगा सो फिफ्टी नाइन इंटू टू क्या होता है फिफ्टी टू हज़ार हंड्रेड नाइन टू जीरो एटीन मीन्स वन हंड्रेड एटीन वन हंड्रेड एटीन प्लस फोर मतलब वन ट्वेंटी टू ये रहा ठीक है चलिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे चार आठ दस चौदह सोलह बीस ये तो बिल्कुल ऊपर से दिख रहा है कि इसमें डिफरेंस ही बिल्कुल सेम दिख रही है चार और चार आठ आठ और दो दस दस और चार चौदह चौथा दो सोलह सोलह चार बीस तो तीस और दो बाईस ये है। कुछ टफ क्वेश्चन तो था ही नहीं है सो so चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सीरीज के डिस्कस किए नंबर सीरीज के और नंबर सीरीज का जो है कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं जो ट्रिक्स हैं जो टिप्स हैं वो मैंने आपको डायरेक्टली बोली कि आपने ये चीज़ देखना है कि अगर गैप्स जो है अगर गैप्स बहुत बढ़ रही हैं अगर गैप्स जो है वो बढ़ रही है तो सिंपल से क्या देखना है आपने कि ये मल्टीप्ला ये मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है गैप्स उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं गैप्स आपको बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं तो प्लस की हो सकती है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे कॉमन है इसके अलावा हमने सीखा कि स्कैयर याद रखने हैं आपको स्कैय का डिफरेंस आ सकता है क्यूब्स का डिफरेंस आ सकता है ठीक है इसके अलावा अगर दो नंबर्स जो हैं अगर प्लस माइनस आपको दिख रहा है सीरीज़ में तो वो मिक्सड सीरीज़ हो सकती है वो चीज़ आपने चेक करनी है सबसे पहले ठीक है और डिवाइड पे तो बहुत ही कम आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर्स जो हैं गिर रहे हैं मतलब फाइव हंड्रेड के बाद आपको डायरेक्टली दिख रहा है दो सौ दो सौ के बाद आपको डायरेक्टली पचास दिख रहा है तो फिर इस केस में जो है आपने डायरेक्टली समझ जाना है कि नंबर्स जो है बहुत जो है हाईली गिर रहे हैं तो ये डिविजन की सीरीज हो सकती है ठीक है चलिए आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा कमेंट में जरूर बोलेगा अगर कोई भी क्वेरी होगी या हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चलिए थैंक यू वेरी मच